हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में लाइव एक्सप्लेनेशन बैंक निफ्टी का कैसे आप सेटअप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में आपको बताने में आपको लाइव मार्केट कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, मार्केट को है ना, कैसे चार्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है, कैसे आप 40 पॉइंट से 50 पॉइंट कैसे डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी में निकाल सकते हैं और विदाउट इंडिकेटर का प्योर प्राइस एक्शन फ्रेंड्स, ठीक है। और दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस माय डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें। तो सिंपल आप देखेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है, तो मैं थोड़ा सा प्लस निफ्टी का था और दोनों के दोनों गैप मार्केट ओपन हुआ ना। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, मेरी इन बातों को आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर वीडियो में आपको बताता रहूंगा वो पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। अगर आप 1 मिनट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत केयरफुली से ध्यान देना पड़ेगा, मोमेंटम डायरेक्शन आपको, मार्केट कंडीशन सबसे पहले आपको पकड़नी है। मार्केट कंडीशन क्या है, ये अप ट्रेंड का था, ठीक है। ये क्या है, एक चैनल था, चैनल ब्रेकआउट हो गया, फॉर एग्जाम्पल की फ्लैग ब्रेकआउट हो गया। अब ये ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस क्या करेगी, स्टॉप होगी दिस लेवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या सेलर इंटर है और सेकंड लेवल यहाँ पर है, ठीक है। 2 टाइम्स प्राइस को स्टॉप होने का रीजन है यहाँ पर, करेक्ट। तो ध्यान देना है आपको, ये एक पैटर्न बन चुका है और उसी प्राइस ब्रेकआउट होकर ये अप डाउन आ रही है, ठीक है। और अभी ये ऊपर कब जाएगी, अब इसके कंफर्मेशन के लिए अपने को वेट करना है। दोबारा प्राइस ऊपर जाती है पर अपन देखते हैं कि कब ऊपर जाती है कब नीचे। और करेंट टाइम अभी हो रहा है 9:41, और आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कैसे आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट इजीली आप अचीव कर सकते हैं। मार्केट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट आता है, फर्स्ट कंडीशन क्या था, मार्केट कंडीशन है ना। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, ये मेरा कोर्सेस वगैरह अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्रेंड ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट कंडीशन जो मैं देखूंगा वो आपको भी देखना है, माई रूल M+P+C=R, मार्केट कंडीशन, पैटर्न्स, कंफर्मेशन, फिर रिजल्ट, ठीक है। मार्केट कंडीशन अगर आपकी गुड नहीं है तो पैटर्न्स आपके फेल हो जाएंगे। आपका कंफर्मेशन बेशक है, कंफर्मेशन आपका राइट है, फिर भी मार्केट कंडीशन अगर राइट वे में नहीं है, रॉन्ग है, तो ये फेल हो जाएगा कंफर्मेशन, करेक्ट। तो सिंपल आप इस कैंडल के बाद आप सेल कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप सेल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ये रहा रेजिस्टेंस एरिया, ये रहा सपोर्ट एरिया, सेल कर सकते हैं इस कैंडल क्लोजिंग। अब ये सेल कर, अब ये प्राइस यहाँ पर ड्रॉप होगी, क्यों, ये रहा सपोर्ट एरिया, ये कैंडल का सपोर्ट एरिया, ये रहा रेजिस्टेंस एरिया, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एरिया जिसे बोलते हैं SNR लेवल। अब इजिली यहाँ से आप जितने का फर्क है यहाँ पर 15 लगभग 30 पॉइंट का आपका इस कैंडल पे आप सेल करते हैं, 30 पॉइंट इजिली आपको मिल जाता है यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। तो इजी है, और आपका स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल के अपर साइडों से कुछ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, मैं यहाँ पर एग्जैक्टली ड्रॉ कर देता हूँ जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बताता हूँ स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपका एंट्री इस कैंडल के बाद होता है और आपका स्टॉप लॉस होता है, ये आपका स्टॉप लॉस है लगभग 33 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है जी। 33 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली जाना, यानी 33 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और डायरेक्टली आपका 40 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट है, ठीक है। आपकी जो एंट्री मैंने बोली थी इस वाली कैंडल का एंट्री था, यानी इस वाली कैंडल क्लोज हुआ, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर सीन क्या है, ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट में भी जाता है, क्योंकि ये रहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पर बिग कैंडल है ना सेलर की। अब ये रहा प्राइस क्या है, फुलफिल कर रही है, यानी बायर क्या है, लूज हो रहा है, बायर का मोमेंटम क्या, लूज हो रहा है, तो अगेन प्राइस क्या होगी, यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग सेलर, अगेन स्ट्रॉन्ग सेलर, तो अगेन बायर क्या है, बायर यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना, जिसके वजह से प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी, है ना। तो इजिली आप 40 पॉइंट 30 पॉइंट आप डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। ये तो एक, ये आप समझ सकते हैं, ये जो स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, ये सिंपल आप SNR लेवल को फाइंड करना है, जैसे मैंने बताया ये क्या है आपका
सपोर्ट एंड रजिस्ट यानी रजिस्टेंस एरिया, ठीक, क्योंकि यहाँ पर सेलर वाली कैंडल, तो ये रजिस्टेंस एरिया वर्क करेगी। यहाँ से प्राइस ग्रीन वाला कैंडल है यानी बायर का क्या है, सपोर्ट एरिया है ना। अगेन सेलर क्या है, सपोर्ट एरिया पे आया, अगेन बायर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी ये क्या है, सपोर्ट बनाई, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग प्राइस हो गई है ना। सेलर आने के बाद जब प्राइस रिजेक्ट कर रहा है तो यानी वो लेवल क्या है, स्नार लेवल वर्क कर रहा है, यानी ये लेवल क्या है, स्नार लेवल वर्क कर रहा है, करेक्ट। और यहाँ पर जो एंट्री लेने का रीजन था वो रीजन ये था कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल का, ठीक, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल का, यानी ये लेवल क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल, और ये कैंडल क्या है, अपर रिजेक्शन यानी सेलिंग प्रेशर इसे बोला जाता है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर। ये आप देखेंगे 40 पॉइंट आपका 5 मिनट में आपको मिल गया, करेक्ट। तो एक ये सिनेरियो है, स्ट्रेटेजी है, आप इस पे वर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्राइस एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर कोई इंडिकेटर का मैंने यूज नहीं किया, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा एसएनआर लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, करेक्ट। और ये बुलिश पिन बार है, तो ये रिवर्सल साइन भी होता है बुलिश पिन बार का, प्लस रिजेक्शन है ना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम जो है सेलर का स्ट्रॉन्ग कैंडल है, करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से प्राइस डाउन भी जा सकती है, इसके लिए मैं भी नहीं जानता हूँ कि क्या हो सकता है, करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। तो एक छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा फ्रेंड। और अगर और आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी का लाइव ऐसे ही वीडियो मैं एक्सप्लेन करके बताऊँ आपको कि कैसे आप 40 पॉइंट से 50 पॉइंट या 100 पॉइंट, मिनिमम 30 पॉइंट आप अचीव कर सकते हैं, मिनिमम मैं जो बताता हूँ जी, मिनिमम 30 पॉइंट, मैक्सिमम आप 50 पॉइंट भी जा सकते हैं, 100 पॉइंट, 200, 300 पॉइंट, है ना, मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हैं, पर मिनिमम 30 पॉइंट तो इजी वे में आप कर सकते हैं, करेक्ट है। और जो मैं रूल को फॉलो कर रहा था वो रूल को मैं बता देता हूँ आपको, फॉलो जो करने का जो मेरा तरीका है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, ये एक्यूरेसी आपका 90% होता है, और इधर का जो एक्यूरेसी है वो 75% का होता है, ठीक है, यानी डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स का ये इधर जो एक्यूरेसी देता है वो 75%। और ये सारी जो तीन पैटर्न्स है यानी टू पैटर्न्स है, डब्ल्यू और एम पैटर्न प्लस डबल टॉप डबल बॉटम भी आता है, पर यहाँ पर आ जाएगा ये क्या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है, तो ये कि इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, वो थोड़ा ज्यादा होती है, करेक्ट है दोस्तों। तो ये रहा मतलब जो मैंने यूज किया है वहां पर चार्ट पे, डे 8, ये 8वां क्लास है, जैसे कि 15 दिन का क्लास था, तो ये 8वां क्लास का रीजन था जो मैंने वहां पर यूज किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, और फ्रेंड्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम, ऑनलाइन पर्सनल क्लासेस आपको मिलती है, ग्रुप वाइज नहीं होता है, 1 बाई 1 टाइम पे एक ही पर्सन को मैं टीच करता हूँ, है ना, क्लास लेक्चर होता है हमारा। और ये सारे के सारे रूल मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब भी आप अगर सेल्फ लर्निंग करते हैं या आप कहीं पर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं या आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं खुद से, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है उन पॉइंट को, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चार्ट पैटर्न को साइकोलॉजी को समझने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जो मेरा रूल है माई रूल M+P+C=R, मार्केट कंडीशन इंपॉर्ट, फर्स्ट नंबर वन मार्केट कंडीशन, फिर आता है पैटर्न, फिर आता है कंफर्मेशन, फिर आता है रिजल्ट, रिजल्ट का जो स्टेप है 4, 3 स्टेप से आप गुजरेंगे वो भी राइट में, अगर एक भी 3 में से अगर कोई भी आपका रॉन्ग हुआ तो ये जो रिजल्ट है आपका निगेटिव होगा, तीनों का तीनों अगर आपका राइट हुआ तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव होगा। ये मैं अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ और मैं आपको भी बता रहा हूँ अगर आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं तो, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये कोर्सेज वगैरह हैं डिटेल्स, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, यहाँ पर मैं जो करता हूँ वो चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो मैंने भी आपको बताया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।